हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। फिर मैं आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड और एक नया ब्लॉग लेके। हम लोगों का ब्लड में है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डायरेक्शन में मत देखो, ये सबसे अनयूज्ड एरिया है मेरा रूम पे, सबसे अनयूज्ड एरिया। सो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ मिल जाएगा, बट उसमें बहुत धूल जम गया है, तो इसको छोड़ के बाकी उसका जस्ट नीचे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चप्पल गिरा हुआ है, चप्पल पर मत देखो, चप्पल को उठा देते हैं। चप्पल तो मामी के लिए है, वो छोड़ो, तो सब बातें। तो ये है मेरा आज का दुकान खुल के मैं बैठ गया रियली। सो मैं आज क्या करता हूँ, मुझे जो लोग फॉलो कर रहे हैं पसंद है, ये जो इस तरह है मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस तरह के लिए क्या है, एडवांस लेवल का PLC टाइप का है, जो एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं, जिसका नाम है इस्ता 1। एंड उसमें एक्जैक्टली लाइक हम लोग जो ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका एक्जैक्टली लाइक सॉफ्टवेयर है OS है, और OS रन कर रहे हैं Arduino Duo के ऊपर। एंड उसका एक अलग PSP वाला पावर स्विचिंग एंड पावर प्रोटेक्शन मॉड्यूल है, एंड IO मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। एंड उस सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, एक्चुअली हुआ कि कुछ नहीं, उसमें बहुत अच्छे चल रहा था, बट यू नो जब हम लोग पहले प्रोटोटाइप कुछ बनाते हैं, तो ये एक्चुअली PCB नहीं है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं है एक्चुअली। इसका टोटल ये जो है ना, तो ये जो है इसका मेन कंट्रोल बोर्ड था, तो इसमें ये जो लगा हुआ ये है Arduino Duo। तो इसमें क्या था प्रॉब्लम एक्चुअली, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो एक्चुअली कैमरा मेरा सेट हो गया, ओके, सो दिस फ्रेम इज नाइस एंड चार्ज हो रहा है, ओके। सो हुआ क्या था, ये तो PCB नहीं था एक्चुअली, ये मैं सोल्डरिंग करके बनाया था, बस में सारे चीज़ चल रहा था। बट हुआ क्या था, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं मतलब इसमें क्या था, 5 वोल्ट मेरा RIPSPM से मतलब पावर स्विचिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल के लिए, उसके लिए उसके बाद से इसमें 5 वोल्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद था इसमें एक बग बूस्ट कन्वर्टर, बेसिकली बग बूस्ट कन्वर्टर नहीं है, आई होप सबको पता है बग बूस्ट कन्वर्टर क्या है। बग एक्चुअली 3 टाइप का कन्वर्टर था, बग कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर एंड बग बूस्ट कन्वर्टर। बग कन्वर्टर क्या करता है, सपोज 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से सब 5 वोल्ट नहीं मतलब स्टेप डाउन करते हैं, DC to DC कन्वर्टर एक्चुअली हम लोग उसको DC ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, DC to DC कन्वर्टर मतलब स्टेप डाउन करते हैं, उसको बग कन्वर्टर बोलते हैं। और इसमें डीसी ट्रांसफॉर्मर बोला मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रांसफॉर्मर जनरली क्या है, मैं अगर प्राइमरी का वोल्टेज घटा दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, तो सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। बग बूस्ट कन्वर्टर आई मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, अगर नहीं पता होगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जो भी है। तो और बूस्ट कन्वर्टर है, और स्टेप अप करते हैं, बग बूस्ट करता है कि स्टेप अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। मेरा सपोज मेरा कुछ आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो इनपुट में मेरा सपोज जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए उसके ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो स्टेप डाउन करके देगा, एंड आउटपुट में अगर जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसमें से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो बूस्ट करके देगा जो भी है। तो उसमें क्या था, उसमें इशू हुआ था बोल के, इसमें जो 3 इंडिकेटर लाइट है एक्चुअली एरर RYG जो जनरल मशीन में RYG इंडिकेटर होता ही है इंडस्ट्रियल लेवल का मशीन में, तो इसमें जो जब तीनों लाइट एक्सेल चलता है ना, तो ड्यू टू फॉल्ट करेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या वोल्टेज का ड्रॉप होता था, 3.3 वोल्ट का ड्रॉप, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आता था। क्या दिक्कत मतलब क्या, इसमें जो स्क्रीन था HMI का जो स्क्रीन था, उसका जो बैकलाइट था वो मतलब डिम हो जाता, जैसे पहले जमाना का DVC वगैरह का ये सब जो पावर होता था ना, DVC वगैरह जो पावर होता था, जो मतलब रात रात में SVC चलाने के बाद डिम हो जाता था, वो अभी नहीं होता जब भी है, तो ऐसा हो जाता था। तो आखिर क्या बात कर रहा था, ओके फाइन, तो उसमें क्या क्या, मैं दो चीज़ अलग कर रही, इसमें क्या है कम्युनिकेशन पार्ट भी था, और इसमें Wi-Fi भी था, और इसमें पावर सप्लाई सब कुछ एक साथ था, है उसको पावर सप्लाई और RTC मॉड्यूल को अलग कर दिया, मतलब रियल टाइम प्लॉट, आई एम सी दिस इज RTC। सो इसमें क्या होगा, RTC में रियल टाइम इसमें एक बैटरी है,
बेसिकली टाइम रेट सेव करके रहता है। सपोज मेरा अभी पावर नहीं चल रहा, मतलब मशीन बंद है, तो उसका टाइम रेट कहाँ पर मिलेगा? एक्जैक्टली सेम सेम मेरा पीसी में होता है, सब तो पीसी में होता है, ये बैटरी पीसी में लगता है, एक्जैक्टली सेम बैटरी है, सबको पता ही होगा बेसिकली, ऐसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ। सो एक्चुअली ये 5 वोल्ट का लॉजिक है, तो और मेरा Arduino Duo है जो है 3.3 वोल्ट का लॉजिक है, तो मेरा कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो कम्युनिकेशन के लिए इसे मस्त चीज़ है, इसमें एक है लॉजिक लेवल कन्वर्टर, 5 वोल्ट टू 3 वोल्ट बाइडायरेक्शनल लॉजिक लेवल कन्वर्टर। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज बाइडायरेक्शनल लॉजिक लेवल कन्वर्टर, मैं बहुत स्टूडेंट बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ बात आता है तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, जो भी है। सो आई थिंक सबको पता होगा, फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, लॉजिक लेवल कन्वर्टर क्या होता क्या है। सपोज सपोज दो चीज, ओके, ये Arduino नैनो है और ये RF 433 MHz का एक रिसीवर मॉड्यूल है, जो भी है मान के चलिए ये वाला इसमें कनेक्ट होगा। तो ये वाला मान लीजिए मान लो 3.3 वोल्ट का लॉजिक में चलते हैं, मतलब 3.3 लेवल का है और ये 5 वोल्ट का लेवल है, तो मैं इसमें कनेक्ट कैसे करूँगा? इसका 3.3 लेवल ये सेंस भी कर सकता है, सेंस भी नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे सर्किट डिजाइन है इसके अंदर और कितना अच्छा कंपनी का है, मतलब कंपनी में अच्छा नहीं है, मतलब कितना अच्छा कंपोनेंट यूज हुआ है। और इसका जो 5 वोल्ट है इसमें देंगे तो ये सर्किट ग्लो भी हो सकता है, तो हाउ विल कनेक्ट देम? सो इसमें आता है, इसके लिए हम लोग करते हैं लॉजिक लेवल कन्वर्टर। लॉजिक लेवल कन्वर्टर करता क्या है, इसमें सपोज एक साइड रहता है 3.3 वोल्ट का, और आई थिंक आ रहा है, हाँ, एक साइड रहता है 3.3 वोल्ट, एक साइड रहता है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट साइड में 5 वोल्ट एंड ग्राउंड देना पड़ता है, 3.3 वोल्ट के साइड 3.3 वोल्ट एंड ग्राउंड देना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, सपोज मैं 3.3 वोल्ट के साइड, इसमें 4 बिट होता है, मतलब टोटल 6 पिन रहता है, ठीक है, तो 4 लॉजिक लेवल कन्वर्ट करता है, दोनों में पावर एंड ग्राउंड जाता है, तो 4 में से मान के चले 0.0 में 0 नंबर पिन में मैं 3.3 वोल्ट के साइड 3.3 वोल्ट दिया, तो 5 वोल्ट के साइड में मैं 5 वोल्ट पाउंड पर पाऊंगा, और 3.3 वोल्ट के साइड अगर 0 कर दूंगा 5 वोल्ट के साइड, 5 वोल्ट मुझे 0 वोल्ट मिलेगा। एंड इसका एक साइड उल्टा भी हो सकता है, जैसे मैं 5 वोल्ट के साइड 5 वोल्ट दे रहा हूँ और इसमें 3.3 वोल्ट मिलेगा, और इसमें 5 वोल्ट के साइड में 0 करते हैं तो इसके साइड 0 वोल्ट मिलेगा। सो सेम चीज़ है, बाई डायरेक्शनल है, ये बहुत कम का चीज़ है, लॉजिक लेवल सेटर बहुत यूज होता है। और इसमें ऑक्टोकपलर है, ऑक्टोकपलर आई थिंक सबको ही पता होगा, आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ऑक्टोकपलर यूज़ किया है करंट आइसोलेटर के लिए। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं, हाँ, इसमें क्या है ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला एक्चुअली ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है, सबसे बेसिक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है, वी शुड यूज दिस टाइप ऑफ सर्किट, एंड बहुत ही बड़ा नहीं है। इसमें क्या है ना, एक ACR है, ठीक है, ACR है इसमें, तो इसमें क्या है, एक 5.5 वोल्ट का जेनर है, एक्चुअली ये 5.1 वोल्ट का जेनर है, 5.5 वोल्ट का जेनर नहीं होता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही मेरा, तो ये 5 वोल्ट का बोर्ड है, तो इसमें से अगर मेरा 5.1 वोल्ट से ज़्यादा मेरा वोल्टेज आ गया तो क्या है, जेनर वोल्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें जो ACR है इसमें ट्रिगर हो जाएगा, तो ACR का ट्रिगर होगा जो क्या होगा, इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसमें शॉर्ट हो जाएगा, और ACR का पावर कैरिंग कैपेसिटी है 8 एम्पियर, बट इसके पहले जो मेरा फ्यूज है वो 0.5 एम्पियर है, एंड जो मेरा पावर सप्लाई है वो 2 एम्पियर का है, तो बेसिकली मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट क्या है, फ्यूज। तो क्या हुआ, जैसे 5.1 वोल्ट के ज्यादा हुआ, शॉर्ट हुआ, मेरा फ्यूज ब्लोन हो गया, मेरा सर्किट सेफ हो गया। तो ये एक्चुअली देना जरूर है, क्योंकि मेरा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, तो हो सकता है कभी वोल्टेज ज्यादा आ गया कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर के रीजन से, जो भी है। और क्या दिखाएंगे इसमें, तो है जो मैं बक बूस्ट कन्वर्टर बोल रहा था, ये वाला है बक कन्वर्टर, इसमें ए साइड से मेरा 5 वोल्ट आता है और ए साइड से मेरा 3.3 वोल्ट आउटपुट आता है, ये वाला एक पोटेंशियोमीटर रहता है, ये क्वार्ट रहता है, प्रीसेट ऑफ क्वार्ट स्लाइटली डिफरेंट होता है, और प्रीसेट रहता है, अब प्रीसेट से हम लोग वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि मेरा एक्चुअली आउटपुट कितना चाहिए। एक्चुअली ये जो मेरा बक कन्वर्टर है वो इनपुट जो वोल्टेज देंगे उसका आउटपुट वोल्टेज लगभग 1.2 वोल्ट का मिनिमम हम लोग सेट करें, मतलब 5 वोल्ट अगर मेरा इनपुट में देंगे हम मिनिमम 3.8 वोल्ट तक, मैक्सिमम सॉरी 3.8 वोल्ट तक हम मिल सकता है आउटपुट में, उससे कम तो मिलेगा ऑब्वियसली। सो तो इसमें क्या था, एक
इसमें है, तो मेरा मैं आज क्या कर रहा था, मैं जो कर रहा था ये एक्चुअली ये है मल्टी लेवल पुश बटन है, सिंगल पुश डबल पुश ये सब डिटेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या था, ये मेरा कूल डाउन कॉन्फ़िगरेशन है, कूल डाउन कॉन्फ़िगरेशन है सबको पता है, अगर नहीं पता है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो देखो। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो पिन रहता है माइक्रो कंट्रोलर वो एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस देकर ग्राउंड रहता है, तो ग्राउंड नॉर्मल टाइम तो ग्राउंड रहता है तो उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो हो गया। और जैसे मैं पुश करूंगा पुश करूंगा तो आइदर 5 वोल्ट का लॉजिक हो तो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट का लॉजिक हो 3.3 वोल्ट, वो पिन में चला जाएगा एंड चला जाएगा तो वो वाला डिटेक्ट कर लेगा कि पुश बटन पुश हुआ कि कुछ आधार मतलब पुश हुआ कि कुछ सेंस कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो उसमें क्या था, जो 5 वोल्ट का तार था इसमें 3.3 वोल्ट लॉजिक है, बल्कि 3.3 वोल्ट का तार है वो नहीं लगा हुआ था। तो मेरा ये जो है दिखाई पड़ रहा है, हाँ ये जो है ये वाला उसका कनेक्टर है, इधर से 3.3 वोल्ट का इधर वायर मैं कनेक्ट कर दिया। ओहो मैडम तो कर दिया, तो ये वाला मेरा आज काम था, उसके बाद मैं आज ऐसे नहीं करूँगा। सो और चीज़ दिखाने वाला था मैं, ये जो चीज़ है सबको आई थिंक पता होगा, ये मेरा ये जो जादू का वो जादू वाला बॉक्स है इसमें रखा हुआ था, तो आज अचानक मेरा आंखों के सामने आ गया ये वाला, आई थिंक सबको पता होगा ये वाला RFID है। RFID आजकल बहुत यूज हो रहा है पता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ये वाला मेरा पांच बार तो पता है ना, मतलब मेरे अटेंडेंस के हिसाब से मेरा यूज़ होता है, मेरा एक अटेंडेंस बुक मशीन रहता है उसमें मैं पांच कर दे रहा हूँ, मेरा जो टिकट नंबर मेरा एम्प्लॉय ID ये सब आ जाएगा, मेरा इन आउट ये सब पांच हो जाएगा। और अभी इसका लेटेस्ट यूज़ है फर्स्ट ट्रैक मेरा ऑटोमेटिक जो टोल सिस्टम में जो यूज़ हो रहा है उसमें भी RFID है। RFID में क्या रहता है ना, इसमें एक कॉल रहता है, कॉल के बीच में एक माइक्रोकंट्रोलर का बेसिक से चिप रहता है माइक्रोकंट्रोलर टाइप का, तो इसमें कुछ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मेरा ID क्या है ये सब वगैरह कुछ हम लोग स्टोर कर सकते हैं थ्रू इसके थ्रू। अब इसमें मेरा डेटा स्टोर हो गया, मेरा ये वाला सिस्टम से कुछ मतलब डोर या फिर पंचिंग सिस्टम मैं कुछ भी करूँ, सपोज मेरा अटेंडेंस कर रहा हूँ कि डोर लॉक वगैरह है मतलब मेरा पंच करूँगा, अगर सही बंदा पंच कर रहा है तो दरवाजा खुलेगा, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें पहले से स्टोर रहेगा, ये वाला डिटेक्ट करेगा, अगर सही डिटेक्ट कर रहा है तो एक्टिविटी आउटपुट का एक्टिविटी होगा, नहीं होगा तो नहीं। और एक चीज़ है ये भी RFID है, और अरे बाबा उठना, ये दोनों एक ही चीज़ है सिर्फ साइज अलग है, मतलब डिफरेंट टाइप में मिलता है। तो ये वाला मैक्सिमम मतलब यूज होता है 90%, ये वाला बहुत यूज कम होता है। तो बहुत मेरा दोस्तों पता है, और जानकारी नहीं होगा तो बाद में इसके बारे में वीडियो एक्सप्लेन किया जाएगा इसके बारे में एक्चुअली चीज क्या है। सो आ गया मेरा चुप आपों के सामने, तो मिल गया बहुत कुछ है इसमें, जैसे पता नहीं इसको और ये पता क्या, ओहो ये वाला 40 पिन का IC है, ये वाला है 8086 माइक्रोकंट्रोलर, यस 8086 इंटेल का माइक्रोकंट्रोलर है। सो एक्चुअली ये एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई टेस्ट किट नहीं है, 8085 8086 करने के लिए टेस्ट किट होता है, तो एक्चुअली मेरे पास दामी पड़ा हुआ है, तो किसी रीजन से मैं लिया था, जो भी लिया था कि किसी दोस्त के पास मैं लिया था, बाकी ये मेरे कोई काम का नहीं है। सो आज और क्या दिखाएंगे आज, सो मैं इसको फिट करता हूँ, तब तक कुछ टाइम लग देखते हैं। Okay, so enjoy the time lapse. सर्किट बोर्ड था तो ये वाला मेन बॉक्स में इंस्टॉलेशन हो गया, बट इसमें तो पावर सर्किट पावर वगैरह कनेक्टर वगैरह सब लगा दिया। इस ये जो पोजीशन है इसमें
कम्युनिकेशन का डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और वाईफाई के लिए एक और एक बोर्ड इंस्टॉल होगा, तो उस एक साथ वो वाला करेंगे एक दूसरा वीडियो में, एक साथ वो वाला डिस्कस करते करते वो वाला बोर्ड हम लोग बनाएंगे। तो अभी तो ये हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट दूसरा दिन मतलब अगले वाला वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें पावर देके टेम्पोरारी इसमें पावर वगैरह जम्पर वगैरह ला के देखते हैं कि कितना अच्छा काम करते हैं, उसमें टेस्ट करेंगे ये जो ओवर वोल्टेज सर्किट है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आज के लिए टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।